नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप में से जो लोग भी नए यूजर हैं और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से विनती है भाई कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वो वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर लीजिए। अच्छा, फिलहाल मैं कहता था रोज हूं, लेकिन आप करेंगे वही जो आपका मन करेगा, तो फिलहाल अपने मन की करते रहिए, करंट अफेयर्स देखते रहिए। और आज के करंट अफेयर्स में इंडिया ग्लोबल वीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक क्या है, क्या मतलब है इसका, और क्यों ये करंट अफेयर्स में है, और इसकी थीम क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ले चलते हैं पहले एक न्यूज की तरफ जो कि रेलवे से है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि रेलवे जो है वो नेट जीरो इमिशन पर काम कर रहा है। भारतीय रेलवे क्या करना चाहता है, वो हर हाल में 2030 तक पूरा जो रेलवे नेटवर्क है उसको जीरो इमिशन कार्बन वाला बनाना चाहता है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए के पास है, उसके बाद चाइना, और उसके बाद हमारा नंबर आता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें से 125,000 किलोमीटर हमारे पास रेलवे लाइन है और सिर्फ 68,500 किलोमीटर पर ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से अभी तक मात्र 38,500 किलोमीटर के दायरे पर ही केवल विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है। ऐसे में बाकी के रूट पर ट्रेनें कोल इंजन से चलती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इमिशन होता है, धुआं होता है। और ऐसे में अब ट्रेन जो है सोलर पावर से चलाई जाने की प्लानिंग की जा रही है, और ऐसे में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो हाल फिलहाल आज दूसरी न्यूज को लेकर आया हूं। भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में विनोद कुमार यादव हैं, जिनका कार्यकाल अभी नवंबर में एक साल के लिए बढ़ाया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने पहले आपको निदेशक के बारे में बता दिया कि रेलवे बोर्ड के निदेशक के रूप में कौन कार्यरत है। तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा रेलवे बोर्ड के महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। तो वो मेन आपके जो रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं वो विनोद कुमार यादव हैं, वो अलग है। ये रेलवे बोर्ड के निदेशक डायरेक्टर जनरल जो हैं, लेकिन ये रेलवे स्वास्थ्य सेवा के हैं, तो इसको याद रखना। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व डॉक्टर बीपी नंदा दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में कार्यरत थी, जिन्हें विष्णु प्रसाद नंदा कहा जा रहा है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है जो रेलवे मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है। ज्ञात हो कि रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में रेल मंत्रालय की सहायता हेतु प्रमुख प्रशासन और कार्यकारी निकाय के रूप में किया गया था। तो बीपी नंदा या विष्णु प्रसाद नंदा ने अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल एज ए रेलवे हेल्थ सर्विस के रूप में ज्वाइन किया। अगली जानकारी की तरफ चले तो अब बात करते हैं इंडिया ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन। इंडिया ग्लोबल वीक क्या है? इंडिया ग्लोबल वीक एक ऐसा मंच है जहां से भारत दूसरी दुनिया को, यानी कि भारत पूरी दुनिया को जानता है और पूरी दुनिया भारत के बारे में जानती है। इसमें भारत की जो भी उपलब्धियां हैं उनको पूरी दुनिया को दर्शाया जाता है। इस बार इसका आयोजन ब्रिटेन के सौजन्य से किया जा रहा है, ब्रिटेन में किया जा रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था, और ये सेशन के दौरान यानी लॉकडाउन के दौरान अगर देखा जाए तो ये पहला ऐसा सम्मेलन है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित भी किया और इसमें संबोधन भी दिया। तो इंडिया ग्लोबल वीक जो है ये इंडिया इंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है, और इंडिया इंक इसको हर साल करवाता है। इसका जरिया, इसका मेन उद्देश्य यही है कि भारत के बारे में लोगों को बताना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंडिया ग्लोबल वीक। फिलहाल इसे कोविड-19 के चलते आपका जो है वर्चुअल सम्मेलन जो है ये आपका आयोजन 9 से 11 जुलाई को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया ग्लोबल वीक में 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें वो बताएंगे, और इस सम्मेलन में 75 सत्र होंगे जिसमें 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, उसके बाद अभी एस जयशंकर, रेल मंत्री, योग गुरु, इन सभी को जो है इसमें संबोधित करना है। तो इंडिया, आपको दो बात याद रखनी है, इंडिया ग्लोबल वीक जो है ये कब से कब हुआ, 9 से 11 जुलाई को वर्चुअली आयोजित किया गया, लेकिन ब्रिटेन में इसका मेन सेंटर रहा, वहां से इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको कौन आयोजित करता है, इसको इंडिया इंक एक कंपनी है वो आयोजित करती है। तो हाल फिलहाल इंडिया ग्लोबल वीक वर्चुअल सम्मेलन जो है अभी आयोजित किया गया। अगली जानकारी है, अगर आप राजा महाराजाओं के तरीके सोने में प्लेटों में खाना खाना चाहते हैं, सोने के बाथरूम में नहाना चाहते हैं,
या कुछ राजा महाराजा वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो अब आप वियतनाम जा सकते हैं। वियतनाम जाना चाहिए क्योंकि वियतनाम में देश का विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई में दुनिया में अपनी तरह का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खुल गया है। इस होटल का नाम डालची हनोई गोल्डन लेक रखा गया है। होटल के मालिक है हो बिन समूह के चेयरमैन ग्वेन हू डोंग है। यह होटल 25 मंजिल का है। इस 25 मंजिला होटल में दीवारों से लेकर छत पर भी सोने की परत चढ़ाई गई है। यहां तक कि इमारत के बाहरी हिस्से को लगभग एक टन सोने में ढक दिया गया है। कोविड-19 के दौरान इस होटल का जो औपचारिक उद्घाटन होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन होटल मालिकों ने इसे फिलहाल खोल दिया है और अब आप यहां पर जाकर इस तरह का ऐसो आराम का मजा ले सकते हैं और इस तरह से गोल्डन प्लेटेड होटल में खाना खा सकते हैं, वहां पर रुक सकते हैं। हाल फिलहाल इसको बनाने में जो खर्च आया है वो लगभग $20 करोड़ आया है, बहुत बड़ी रकम है। और इसकी जो पूरी इमारत है उसको भी पूरा गोल्ड प्लेटेड कर दिया गया, सीढ़ियां भी गोल्ड प्लेटेड बनी हुई है। कहां है वियतनाम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वियतनाम आप सभी को पता है, अगर आप इधर से निकलो तो ये बांग्लादेश मिलेगा, बांग्लादेश से नीचे आओगे म्यांमार मिलेगा, म्यांमार से और नीचे आओगे थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड से और नीचे आओगे तो वियतनाम मिलेगा। वियतनाम ये है, उसके बगल में आपको लाओस मिलेगा। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्व भाग में स्थित एक देश है। और अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने चर्चा भी करी थी कि वियतनाम में क्या हो रहा है। वियतनाम जो है वो चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है चीन। तो वियतनाम ने बोला है कि भाई आप इस तरह से मत करें। अपने कई एरिया के बारे में उन्होंने बताया कि नहीं, ये चीन का हिस्सा नहीं है। यहां पर एक बात हो रही थी एक अभ्यारण की, एक वन अभ्यारण उसके बारे में बात हो रही थी, उसके लिए फंडिंग जुटाना चाह रहा था वियतनाम, लेकिन चीन ने मना कर दिया, कहता नहीं इसके लिए फंडिंग नहीं मिलेगी, ये तो हमारा है। ऐसे में चीन और वियतनाम के जो संबंध है उनमें थोड़ी सी खटास नजर आई थी। राजधानी हनोई है, मुद्रा यहां डोंग चलती है। और अगर आप राष्ट्रपति की बात करें वर्तमान समय ग्वेन फू ट्रोंग, यहां सभी ग्वेन होते हैं, पहले ग्वेन जरूर लगा होगा, ग्वेन युआन फुक जो है वो वर्तमान समय में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अगली जानकारी की तरफ चले तो अभी आप देखोगे कि कई सारे लोगों का कार्यकाल जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी हमारे के वेणुगोपाल राव महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। ओबीसी अल्पसंख्यक आयोग का भी कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया, एक 6 महीने बढ़ाया गया, जबकि उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ाया गया। और इसी क्रम में अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी कि एनसीएलएटी के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल अभी अगले 3 महीने अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अपीली न्यायाधिकरण सदस्य के पद पर भी संभाल रहे हैं। न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट को तत्कालीन चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 महीने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अब यहां पर समस्या ये होती है, मतलब दिक्कत ये होती है कि भाई सर एनसीएलएटी क्या होता है और एनसीएलटी क्या होता है। एनसीएलटी अगर बात करें तो मैं बता देता हूं आपको, एनसीएलटी जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। यह 1 जून 2016 से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल है। एनसीएलटी वो पहला निकाय है जो कंपनी से जुड़े हुए मामले संभालेगा। मान लीजिए किसी कंपनी में विवाद हो गया, दो पार्टनर आपस में लड़ गए, या किसी कंपनी में घपला कर दिया, खूब सारा पैसा लेके भाग गई, कंपनी को दिवालिया घोषित करना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे कंपनी से जुड़े हुए जितने भी कानून है उन सभी पर जो अधिकार रहता है वो एनसीएलटी करती है। एनसीएलटी को आप ऐसा कह सकते हो कि एनसीएलटी ने कोई आदेश दिया और आपको लग रहा है वो आदेश गलत है तो आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो कहां, एनसीएलएटी में। बता दें कि सबसे पहले किसी कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसे एनसीएलटी कहा जाता है, आप इसे निम्न भी मान सकते हैं, जैसे आपका हाई कोर्ट में कोई मामला खराब हो गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है। यहां इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है जिसे यह जिम्मा सौंपा जाता है कि वो 180 दिनों के भीतर कंपनी को रिवाइव करने का प्रयास करे। अगर कंपनी 180 दिनों के भीतर रिवाइव हो जाती है तो फिर से सामान्य कामकाज करने लग जाती है, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई की जाती है। वही एनसीएलएटी 1 दिसंबर 2016 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 61 के तहत एनसीएलटी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीली न्यायाधिकरण के तौर पर काम कर रहा है।
एनसीएलएटी सुनवाई की अपील के लिए अपीली न्यायाधिकरण भी है। अगर मान लीजिए आप एनसीएलएटी में भी काम नहीं हुआ आपका, तो आप इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा धारा 202 आईबीसी की धारा 211 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो। वर्तमान समय में एनसीएलटी के जो हेड हैं वो हैं चीफ जस्टिस एमएम कुमार और एनसीएलएटी के जो हेड हैं वो हैं आपके बंसी लाल भट्ट। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। कल खबर आई थी कि डब्ल्यूएचओ से हट गया अमेरिका, अब एक साल बाद वो पूरी तरीके से हट जाएगा क्योंकि सदस्यता का नियम ही यही है कि अगर आप डब्ल्यूएचओ से हटना चाहते हैं, अमेरिका ने कहा कि चीन का बहुत साथ दे रहे हो, हम हट जाएंगे, हम डब्ल्यूएचओ के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो फंड दे रहे हैं डब्ल्यूएचओ हमारी मदद नहीं करता। और ऐसे में वो डब्ल्यूएचओ से हट गया है और डब्ल्यूएचओ से हटने के बाद एक साल तक अभी वो सदस्य रहेगा, लेकिन औपचारिक तौर पर वो हट गया और उसे जितना भी बकाया है वो पूरा करना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा एक रिपोर्ट अभी जारी की गई, आज की न्यूज ये है कि मालदीव और श्रीलंका का नाम आपने सुना होगा। मालदीव से मुझे एक चीज याद आती है, चैनल याद रखना पेपर के मुताबिक बहुत जरूरी है, खासकर समुद्री चैनल। आपको बताना है कि अंडमान निकोबार को कौन से डिग्री का चैनल एक दूसरे से अलग करता है, यानी अंडमान और निकोबार तक जाते हुए आपको कौन सा डिग्री चैनल पार करना पड़ेगा। जो प्रश्न समझ गए हैं वो उत्तर लिख दें और जो नहीं समझे वो इसी प्रकार से गूगल कर लें जो मैंने बोला कि अंडमान और निकोबार के बीच में चैनल, द चैनल बिटवीन एग्जिस्ट, द चैनल एग्जिस्ट बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा। ये याद करना बहुत जरूरी है, खासकर ये 9, 10, 8, 7 डिग्री वाले जो चैनल है इनको जरूर याद कर डालिए। हाँ, विश्व संगठन पे आते हैं क्योंकि मालदीव याद आया, मालदीव से मुझे लक्षद्वीप याद आया, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में भी एक चैनल है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, साउथ एशियन रीजन, इसमें दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है। तो दो देश कौन से हैं, वो है मालदीव और श्रीलंका, समझते हैं। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बने हैं जिन्होंने, ध्यान रखने, ये विश्व के ऐसे पहले दो देश नहीं है, ये दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। मालदीव में चेचक का अंतिम केस साल 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला मई वर्ष 2016 में और खसरे का 2017 में आया था। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं कि आखिरी मामला कब आया था, बस इतना याद रखिए, रखे रहिए कि अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किन दो देशों ने अपने आप को खसरे और चेचक से मुक्त किया। तो एक हो गया आपका मालदीव, एक हो गया श्रीलंका। किसी देश को चेचक और खसरा मुक्त तभी घोषित किया जाता है जब वहां ठीक प्रकार से कार्य करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक चेचक और खसरे का वायरस का ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आता है। बीमारी से याद आया, कल ही टीबी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। भारत में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है टीबी के मामले में वो उत्तर प्रदेश है और सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला गुजरात है। मालदीव की बात करें तो मालदीव दक्षिण एशिया का देश है, लक्षद्वीप से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मालदीव आपको दिख जाएगा। लक्षद्वीप आप समझ रहे हैं ना, लक्षद्वीप पर आपका पड़ेगा जैसे बंगाल की खाड़ी, सॉरी अरब सागर है, तो इधर साइड पे, मतलब कि क्या बोलूं मैं, हाँ अगर आपका ये मैप है तो आपको इस साइड पे आएगा जिसे आप साउथ वेस्ट कह सकते हो। तो मालदीव आईपीए या मालदीव द्वीप समूह, आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपी देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्किपेलागो के बीच में 26 प्रवाल बस्तियों द्वारा दोहरी चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू उत्तर दक्षिण दिशा में बना हुआ है। राजधानी मालदीव की माले है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है। यहां पे जो करेंसी चलती है वो रूफिया चलती है। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी दो है, कोलंबो श्री जयवर्धन पुरे कोट्टा, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। अगली जानकारी तक चले, वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने के लिए विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों के मध्य वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग का 4th संस्करण आयोजित हुआ। क्योंकि वर्चुअल आयोजित हुआ तो कुछ कह नहीं सकते ये किस देश में आयोजित हुआ। हाल फिलहाल इसकी जो अध्यक्षता की वो यूरोपियन यूनियन, चीन तथा कनाडा द्वारा इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई थी। वर्चुअल क्लाइमेट एक्शन मीटिंग का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सामूहिक प्रयासों की प्रगति को सुनिश्चित करना था। बैठक में लगभग 30 देशों के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक में शामिल सभी पक्षों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने और तौर तरीकों तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत के केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कौन सा संस्करण अभी हुआ है, चौथा संस्करण, और कुछ भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। अगली जानकारी तो चले वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई, कितना नशेबाजी कहां पे हो रही, कितना ज्यादा नशीले पदार्थ कहां पर पकड़े गए। तो इस रिपोर्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति ईरान की थी, वहां पर 644 टन अफीम जब्त की गई है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहा, भारत 4 टन के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन और फिर भारत का नंबर 4 टन के साथ चौथे स्थान पर, और इसके अलावा हीरोइन जब्ती की सूची में भारत 1.3 टन के साथ दुनिया में 12वें स्थान पर रहा है। अब देखिए दुनिया में इतनी बड़ी आबादी है तो ये सब जब ये होगा ड्रग रिपोर्ट जो आएगी तो उसमें ज्यादा जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ही उसको यूज कर सकते हैं। जिस देश में ज्यादा आबादी होगी वहां पर ज्यादा परेशानी नजर आएगी। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो सबसे खराब स्थिति में नजर आया है। अगली जानकारी तो चले तो बांग्लादेश, आप सभी को पता है अभी ईद अल जहा यानी कि बकरीद आने वाली है, ईद उल अजहा, इसमें बलि दी जाएगी बकरों की, तो लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तहत मत आए ना आए, मतलब कि लोगों के बीच में ज्यादा संपर्क ना हो, क्योंकि देखा गया है कि इस तरह के बाजारों में बहुत भीड़ उमड़ती है। COVID-19 के खतरे को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने इसका एक डिजिटली मार्केट बना दिया, उसका नाम रखा गया है डिजिटल हाट। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में COVID-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाली कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचना है। बलि दिए जाने वाले पशुओं को खरीदने और बेचने में रुचि रखने वाले लोगों को डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा, जो इच्छुक लोगों के लिए बिल्कुल फ्री सेवा है। इस प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश सरकार द्वारा अपनी वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से भी लगातार इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश ने शुरू किया डिजिटल हाट ताकि जो मवेशी खरीदे जाने हैं उनको डिजिटली खरीदा जा सके। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा चलती है टका, प्रधानमंत्री वर्तमान समय में शेख हसीना है। अगली जानकारी तो चलते हैं तो झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जी के नाम पर ही अभी हाल ही में कोलकाता के एक पत्तन का नाम भी रखा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्हें एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान किया। कश्मीर की मुद्दा उठाने वाले वो पहले नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। मुखर्जी के कुलपति कार्यकाल के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाल में विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था, जिसमें सर्वोच्च परीक्षा के लिए भारतीय भाषा को एक विषय के रूप में पेश किया गया। मुखर्जी ने 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल विभाजन की मांग की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में ही मौत हो गई थी, और तब से जनसंघ यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इनको काफी मानती है और उनके विचारों से काफी प्रभावित रहती। तो हाल फिलहाल IARI यानी झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। सूरमा भोपाली, जी हाँ, मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जगदीप का निधन, उनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन वे मंच पर रखे अपने नाम जगदीप से ही लोकप्रिय थे। उन्हें शोले, पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में निभाई अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था। जगदीप की आखिरी फिल्म 2012 में आई गली गली चोर थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। 1988 में जगदीप ने शोले से प्रेरित अपने चरित्र पर बनी सूरमा भोपाली फिल्म का निर्देशन भी किया था। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा अपराध कार्यालय के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है, वो है ईरान। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का विषय क्या रहा, बी द रिवाइवल,
इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा रेलवे बोर्ड में महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली अधिकरण के चेयरमैन यानी कि NCLAT का चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बंसीलाल भट्ट। और किस देश के सरकार द्वारा बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो वह है बांग्लादेश। किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम बदलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो यह झारखंड में स्थित है। हाल ही में दिग्गज जगदीप, जिनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, का निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता थे। मालदीव और श्रीलंका ने बताया WHO को कि भाई हमने चेचक और खसरे के उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो हमने समय से पहले हासिल कर लिया है और पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। अब बारी है आज के क्विज की। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का विषय क्या रहा? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल सम्मेलन के 4th संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा और अपराध कार्यालय के वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2018 में अफीम के सबसे अधिक जब्ती की सूचना दी है? तो वो है ईरान। किसने रेलवे बोर्ड के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, इन्होंने BP नंदा, जिन्होंने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक में रेलवे स्वास्थ्य के रूप में कार्यभार संभाला है। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। मुद्दा चलती है डोम। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बंसीलाल भट्ट। किस देश के सरकार द्वारा बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो वो है बांग्लादेश। किस राज्य में IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो यह है झारखंड में स्थित। हाल ही में दिग्गज अभिनेता जगदीप का निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक मशहूर एक्टर थे, अभिनेता थे। कि दो देशों ने WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है? तो वह है मालदीव और श्रीलंका। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।